हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्किमेक्स हिंदी में, जहाँ बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक्स एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे सुबह 10 बजे. सो गर्ल्स, आज का जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट कि आप रिवीलिंग ड्रेसेस को अगर उस तरीके से नहीं पहनना चाहते बट आप स्टाइल करना चाहते हैं मॉडेस्टली, तो आप उसे कैसे पहने. आई ट्रूली अंडरस्टैंड, ऐसे कई बार होता है मेरे साथ भी कि मुझे कोई टॉप बहुत पसंद आता है बट मैं उसमें इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो मैं उसे डिफरेंट वेज में स्टाइल कर लेती हूँ मॉडेस्टली, तो ताकि मुझे कंफर्टेबल भी लगे और मैं वो टॉप पहन भी पाऊँ. तो ऐसा हमारे पास साथ बहुत बार होता है. तो मैं आपको बताऊँगी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉप्स, ड्रेसेस जो रिवीलिंग ड्रेसेस होती हैं उनको आप मॉडेस्टली कैसे पहने. सो इससे पहले कि वीडियो की तरफ बढ़े, आप ऐसे और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ मैं बहुत सारे फैशन फोटोज, इंस्टाग्राम शॉर्ट रील्स डालती हूँ स्टाइलिश एंड अपनी अपडेट्स थ्रू स्टोरीज. तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Perkymegs, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो डू फॉलो मी देयर. और चलिए अब बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्लिप ड्रेसेस कैसे पहने. जैसे इस टाइप की जो स्लिप ड्रेसेस होती हैं इनको स्लिप ड्रेस बोलते हैं, ये जो इस तरह के स्ट्रैप्स वाली होती हैं. बहुत सारे लोग ऐसे इसको ऐसे ही पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते या फिर बस वेकेशन पे ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं. तो आप वेकेशन पे अगर ऐसे पहनते हैं तो रेगुलर वेयर में आप इसको कैसे पहने, मैं आपको बताती हूँ. तो आप रेगुलर वेयर में इसको टी शर्ट के साथ पहन सकते हैं. जैसे ये वाली जो स्ट्रैप ड्रेस है ये मैं अपने येलो टॉप के साथ पहनती हूँ. आप इस टाइप की टी शर्ट्स जो प्लेन होती हैं ब्लैक वाइट, उसके साथ भी ये वाली स्ट्रैपी ड्रेसेस पहन सकते हैं. तो आप टी शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, ये बहुत ही क्यूट लगती है. टी शर्ट अंदर पहन लीजिए, ऊपर फिर स्लिप ड्रेस पहन लीजिए, तो ये हर किसी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल लुक है एंड बहुत स्टाइलिश भी लगता है. इस लुक को आप कॉलेज में या फिर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबली पहन सकते हैं एंड आप स्टाइलिश भी लगेंगे. नाउ नेक्स्ट जो होते हैं स्ट्रैपी टॉप्स, जैसे इस टाइप के स्ट्रैपी टॉप्स हैं, या फिर मैं आपको एक और दिखाती हूँ जो मेरे पास है, दैट इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रैपी टॉप. अब ये जो टॉप्स हैं बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं बट कई बार हम कंफर्टेबल नहीं होते इन्हें एज इट इज पहनने में, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे पहन सकते हैं. तो पहला तरीका है कि ये जो स्ट्रैपी टॉप है आप वाइट शर्ट के ऊपर पहनिए. स्पेशली जो ब्लैक स्ट्रैपी टॉप्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं ओवर वाइट शर्ट, मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी फैशन टिप्स में. तो इस तरह आप ये क्रॉप टॉप्स पहन सकते हैं और ये बिल्कुल भी ऑड नहीं लगते ओवर शर्ट, बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं स्पेशली वाइट शर्ट के ऊपर. इस तरह का ब्लैक या फिर आप कोई पिंक भी पहन सकते हैं, वाइट के साथ तो सब कुछ जनरली चलता है बट ब्लैक सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो दिस इज़ वन वे कि आप इसको वाइट शर्ट के ऊपर पहनिए. दूसरा जो वे है दैट इज़ कि आप इस तरह का, जैसे आपको कोई लेसी क्रॉप टॉप है या अच्छा सा कोई क्रॉप टॉप है, आप उसके ऊपर एक शीयर जो टॉप्स आते हैं वो पहनिए विद हाई वेस्ट जीन्स. अगर आप अपना मिड रिफ जो है एक्सपोज नहीं करना चाहते कि पेट ना दिखे, तो आप एक हाई वेस्ट जो है बॉटम पहन लीजिए, उसके ऊपर ये वाला जो है लेस टॉप पहनिए एंड उसके ऊपर जैसे मेरे पास ये शीयर टॉप है तो मैं इसके साथ ये वाइट टॉप को पहनती हूँ. ये बलून स्लीव का मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट शीयर्ड जो टॉप्स है वो बोलते हैं वो है, तो आप उस टॉप के ऊपर ये पहन सकते हैं. मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी, मैंने ये पहना था एंड इट लुक रियली स्टाइलिश और ये जो है काफ़ी कंफर्टेबल लुक भी लगता है. और इसको अगर आप हाई वेस्ट बॉटम के साथ पहनेंगे तो बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगा और अच्छा भी लगेगा. सो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यार इसके ऊपर क्या पहने, ऐसे तो हम नहीं पहन सकते बट बहुत सुंदर है कैसे पहने, तो आप इस तरीके से स्ट्रैपी टॉप्स पहन सकते हैं. और नेक्स्ट होते हैं हमारे क्रॉप टॉप्स, जैसे सिंपल क्रॉप टॉप्स जो होते हैं जो आपको H&M, ज़ारा, मिंत्रा सब जगह मिल जो है जाते हैं, जिनको आप साड़ीज़ के साथ भी पेयर करते हैं. बट अगर आप इसको साड़ी की बजाय भी नॉर्मल लाइफ में पहनना चाहें तो कैसे पहने अगर आप एज इट इज़ नहीं पहनना चाहते हैं. सो बहुत ही अच्छा एक तरीका है कि इसको कुर्ती ड्रेस के ऊपर पहनिए. कुर्ती ड्रेसेस के ऊपर क्रॉप टॉप्स कंट्रास्ट में सेम कलर में बहुत अच्छे लगते हैं, दे लुक रियली स्टाइलिश और आपकी कुर्ती ड्रेस को भी एक नया लुक मिल जाता है. तो आप इस तरह क्रॉप टॉप्स पहन सकते हैं विद योर कुर्ती ड्रेस. और नेक्स्ट आपके आते हैं बहुत ही ज़्यादा डीप वी नेक्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप, जैसे कि ये एक डीप, बहुत ही डीप वी वाला बहुत ही क्यूट क्रॉप टॉप है इस तरह का, जो कि मैंने ज़ारा से लिया है. नाउ इसको आप अगर एज इट इज़ पहनेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल एटलीस्ट मुझे फील होता है, बिकॉज इसमें जो है ब्रा भी दिखती है वो भी कवर नहीं होता बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डीप भी है, बट ये बहुत ही क्यूट है तो मैंने ले लिया. और इसको मैं अब कैसे स्टाइल करती हूँ, इसको मैं स्टाइल करती हूँ विद अ ट्यूब टॉप. पूरा स्पेगेटी अगर आप पहनेंगे तो लुक ख़राब हो जाएगा. तो छोटा सा एक्चुअली छोटा सा ट्यूब टॉप होता है, इसको बैंडियू टॉप बोलते हैं. तो आप उस तरह का जो टॉप है वो पहन सकते हैं इसके अंडर, तो ये बहुत अच्छा लगता है.
एंड इस तरह आप बिल्कुल डीप वी नेक जो बहुत ही ज़्यादा डीप वी वाले हैं उसके साथ उसको बैंडियू टॉप्स के साथ पहन सकते हैं, तो आपका ओवरऑल लुक जो है वो सोबर भी आएगा, अच्छा भी लगेगा और बहुत स्टाइलिश भी लगेगा। नेक्स्ट जो आता है आपका शॉर्ट ड्रेसेस एंड शॉर्ट स्कर्ट्स कैसे पहने अगर आप नहीं पहनना चाहते तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप उसको लेगिंग्स के साथ पहन सकते हैं। इसमें कैच ये है कि समर में जो ड्रेस है वो थोड़ी सी फ्लोई होनी चाहिए, तो फिर वो ट्यूनिक वाला लुक आता है। अगर अलग टाइप की ड्रेस होगी जैसे यहाँ से कुछ एम्पायर वेस्ट से टाइट और नीचे फिर वो खुली वाली, तो वो लेगिंग्स के साथ इतनी अच्छी नहीं लगती। तो जो फ्लोई शॉर्ट ड्रेसेस हैं वो आप लेगिंग्स के साथ पहन सकते हैं, तो एक ट्यूनिक वाला लुक आ जाता है। नेक्स्ट जो आप शॉर्ट ड्रेसेस एंड शॉर्ट स्कर्ट्स, जैसे मेरे पास ये ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट है, इसको मैं सर्दियों में विद स्टॉकिंग्स एंड बूट्स पहनती हूँ। तो ये सर्दियों में तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पहन सकते हैं विद लेगिंग्स स्टॉकिंग्स एंड बूट्स, तो आपका पूरा ड्रेसी लुक भी आ जाएगा और आप बहुत स्टाइलिश भी लगेंगे। सो दिस इज अ ग्रेट वे टू स्टाइल शॉर्ट ड्रेसेस अगर आप एज इट इज नहीं पहनना चाहते एंड शॉर्ट स्कर्ट्स। सो गाइज, ये थे 5 मॉडर्न वेज टू स्टाइल योर रिवीलिंग ड्रेसेस इफ यू आर शाई एंड आप उसको एज इट इज नहीं पहनना चाहते, तो उसको मॉडर्सली इस तरह आप पहन सकते हैं। आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी। ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ और भी फैशन रील एंड शॉर्ट फैशन वीडियोज डालती हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Perkymegs, टू फॉलो मी देयर। एंड अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थम्स अप दीजिए, तो मुझे लगेगा आपको वीडियो अच्छा लगा एंड आई विल बी एनकरेज मोर ऐसे और वीडियोज बनाने के लिए। प्लीज थोड़ा सा टाइम देके इस वीडियो को थम्स अप दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए Perkymegs हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।